ऐसे संत बहुत भए हैं, उन्होंने पर्वत उड़ाए गए ऐसे। अच्छा हाँ, ऐसे हम बैठे ना जी जी, ऐसे बैठे पर्वत उड़ते रहे उगे थारे के ना। अच्छा संत, इसीलिए कहा नाम है जंगल है जहाँ सब जानवर है, चीता भी है। सही। अभी बता दे, हमने नहीं देखा, अभी शेर है अभी इस समय। अच्छा अच्छा, अभी एक दिन हमारे यहाँ से एक गाय उठा ले गए जी जी, एक बैठी बहुत सी गाँव में, हाँ, तो वहाँ से पकड़ के ले गए जी रात में। तो बताया है कि मोदी ने भेजे 4-5 शेर भेजे। तो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, आज हम चित्रकूट के जंगल में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही सिद्ध साधु महात्मा रहते हैं जो गुफा बना के रहते हैं। आज हम दोस्तों आज उन्हीं से मिलेंगे और उन्हीं का सत्संग लेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पे रहते हैं, कैसे रह के भजन करते हैं और कैसी महाराज जी की गुफा है। और दोस्तों, ये चित्रकूट के गुप्त संत हैं जो गुफा बना के रहते हैं और बहुत ही पुराने संत हैं, प्राचीन संत हैं। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए, हम देखिए ऐसे रास्तों से चलेंगे उनकी गुफाओं तक। आप चलिए, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा रास्ता है और देख सकते हैं चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ है और देखिए कितना घनघोर जंगल है, देखिए कितना विशाल पेड़ लगा हुआ है। दिखा दीजिए एक बार कैसे घने घने जंगल है यहाँ पे, ये देखिए। आइए चलते हैं आगे की ओर और देखिए ऐसी रास्ताओं से होके जाना होता है दोस्तों। और ऊपर ही महात्मा जी की कुटिया है, वहीं पे चलेंगे और उनसे मिलेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों, आइए चलते हैं आगे की ओर। और आगे ही महाराज जी की कुटिया है और वहीं पे गुफा बना के रहते हैं, आज उन्हीं से मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही आपको साधु संतों के दर्शन करवाएंगे। आइए चलते हैं। जैसा कि दोस्तों, हम महाराज जी की कुटिया आ चुके हैं और महाराज जी बहुत ही सिद्ध संत हैं, तो आज महाराज जी से सत्संग होगा। तो सीताराम महाराज जी, सीता, तो महाराज जी इस आश्रम में आप कितने दिनों से हैं? हमको ये 15-16 साल लग गए हैं। अच्छा अच्छा, ये काफी प्राचीन आश्रम। हाँ, प्राचीन है। यहाँ चांदी की थाली में भोजन देती पहले गंगा मैया। अच्छा, इसलिए टाटी घाट नाम पड़ा है इसका। जी जी, कहते हैं कि प्राचीन, सबसे प्राचीन टाठी घाट यही है। हाँ, प्राचीन टाठी घाट, यहाँ पे नीचे धार टूट रही है। हाँ, हाँ, नीचे वही महात्मा रहता था। बताते अपन तो अब कब की बात है, हजार भगवान आए तब की बात है, तब तो यहाँ रास्ता भी नहीं थे। भगवान राम अच्छा महाराज जी यहाँ पे आए होंगे, इसी स्थान, इसी स्थान में आए। बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ से जो होते हुए गए जुतारी होते हुए अनुसुईया जी गए। जी जी जी, अनुसुईया जी में रहे हैं। सीता जी ने माता जी को कपड़ा दिए हैं, स्तर दिए हैं अपना जी। वो बताया है पतिव्रता धर्म की रीति, उसने सीता जी को बताया। जी 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 जी, काफी सिद्ध स्थान है, काफी प्राचीन स्थान है। मंदाकिनी मैया का किनारा है जी। और मंदाकिनी मैया का पानी बहुत ही निर्मल पानी है। हाँ, और बहुत सी जड़ी बूटियां हैं इस पानी में। हाँ, बहुत सी, ये तो निर्मल पानी है, निर्मल पानी है। पैसा फेंक दे तो पैसा मिल जाए, पैसा पूरा दिखता है। हाँ। इतना साफ पानी तो महाराज जी नल में भी नहीं आता, इतना साफ पानी। हाँ, ये तो जो मानो का अमृत है, गंगा अमृत है, अमृत। अनुसुईया मैया ने अपनी बात निकाली तपोबल से। बिल्कुल सही है, इतना मीठा पानी है महाराज जी कि जो फिल्टर का पानी पीते हैं उसमें वो स्वाद नहीं है, जो स्वाद इसमें है। भोजन पाचन क्रिया बनाता है, वो पाचन क्रिया बनाता है, इसी में तो अमृत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अनुसुईया जी ने तपस्या करके काढ़ी है। बिल्कुल, उसमें गुण नहीं होते तो संत कहाँ थे रात, संत कहाँ थे आज, महात्मा कहाँ थे रहते। जल भी नहीं होता तो महात्मा क्या करेंगे यहाँ रहते। सही है, महात्मा के लिए लकड़ और जल दो चीज पहली है। जी जी जी, वो तो फिर आवश्यकता अनुसार आती जाती रहती है। सही कह रहे हैं, तो जल देखते हैं पहले महात्मा, ज्यादा करेगा जल है तो सब है। जी जी, जल है। फिर जयंती राम जी का नाम अनुसुईया जी गए। जी जी, अनुसुईया जी थे अमरावती गए हैं। जी जी, अमरावती में विराट राक्षस मार आए वहाँ। जी, देखा है कभी आश्रम? हाँ, आश्रम बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है, विराट कुंड बना हुआ है। हाँ, देखा है कुंड? नहीं गए नहीं है, नाम सुने हैं। और विराट कुंड है। जी जी, बहुत बड़ा है, राक्षस बड़ा कुंड है। कहते हैं कि उसका धाव नहीं मिली, इतना बड़ा कुंड। हाँ, पूरा काला पानी दिखता है उसका, और पत्थर फेंको तो आवाज आती है वहां से। पत्थर फेंको तो अपने को दिखता ही नहीं है नीचे गहरा कितना है। हाँ, आवाज बस आती है, पानी नहीं दिखता। हाँ, पानी पानी। हाँ, वही है। फिर सूती छड़ गए। जी जी, उसमें सरब अंग्रेजी। जी,
सर्वम ऋषि की वहाँ रहे जी, दर्शन लिए हैं। वहाँ से फिर सुतीक्षण जी के पास गए। सुतीक्षण महाराज जी जन्म बैठे, भगवान पहुँच गए सब इनके खुशी भाई जी। सब इनके पहले गुरु जी रहते थे यहाँ पे, अगस्त जी जी, तो का नाम है वे कई तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो फिर ने कहा नाम है कई के ठाकुर जी की सेवा करना आप जी, और भगवान का भोग लगाना, समय से पूजा करना। अब वे गए तो सालग्राम भगवान वो नहीं, वहाँ नदी चलती है झरना चलते हैं, तो वहाँ नहाने के लिए ले गए। तो वे कब सरक गए ठाकुर जी जी, और जामुन को पेड़ लगा था, तो जामुन को पेड़ कहा नाम गाँव में टपक बनी सुबह ने की जी है। अच्छा, तो जाएंगे दल। अब कहा नाम है गुरु जी आए महीना 15 दिन आम गुरु जी ने कही कि आए तो पूजा हम ही करेंगे जी। तो वे बोलते हैं कल नहीं महाराज, तो फिर ने करे सुबह ने की तो बकलिया उधर गई ठाकुर जी। तो फिर ने बुलाया अरे इधर आ जी, ठाकुर जी कहाँ है हमारे, ठाकुर जी तुम्हारे जी हैं तो भाई पुन पुन जल पुन पुन पानी पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और साले कराऊ गले गए तो हम कहा जाए। अभी पानी तो नवाए नवाए के गले गए, मेरा का उपाय हो जाए। सही है। तो गुरु जी ने नाराज है कहना निकाल दिया वहां से सुती जी। तो उन्होंने कहा कि जब आना तब गुरु को लेके आना, भगवान को लेके आना। हाँ, तो यहाँ से गए तो भगवान वहां से मिले, सुबह के बड़ी खुशहाली रही। सुबह ने तुरंत ही कही कि गुरु जी के पास वह चल रहे हैं जी। तो भगवान कह रहे हैं देखो अपने स्वार्थ के लिए ले जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान सब जानते हैं तंत्रिया में, सब जानते बिल्कुल। भगवान कह दिया है तो लक्ष्मण जी देखो अपने स्वार्थ के लिए ले जा रहा है, पर क्या करे, इसका पुण्य है तो गुरु को दर्शन देना ही देना है। सत्य पहुँच गए भाई, देना है गुरु जी की दंड प्रणाम करिए। ठाकुर जी भगवान आए जी, गुरु जी आए तुरंत देखे तो गुरु जी ट्रेनिंग पड़ गए बढ़िया, फिर आसन बचाया उन्होंने सत्संग का। महाराज जी आपके गुरु कौन थे, आपने गुरु दीक्षा कहाँ से ली है? हमारे गुरु महाराज जी श्री श्री 1008 जी, श्री राम प्रसाद दास जी महाराज। अच्छा, दतिया वाले गौ घाट जानेपुर में आश्रम है। अच्छा, आपने महाराज जी वहाँ से चली, तो वहाँ आश्रम में भी रहे होंगे दतिया में रहे जी। वे बालना थे नहीं, वे हमारे गुरु भाई थे बड़े जी जी, वे महान थे आश्रम के। हाँ, दतिया वाले महाराज जी अभी हैं जी जी, इनको महान बना दिया जी जी। दतिया में महाराज जी बहुत सिद्ध संत हुए हैं दतिया साहिब। हाँ, भिंड में रहना है, ग्वालियर है जी, बहुत पर अथवा ऐसे ऐसे आश्रम है जी तो तुम जीवन में नहीं देख सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रतनगढ़ की माता है नहीं जी, जी। इस जंगल में बहुत से काना है, पुराने प्राचीन संत रहे हैं, रहे होंगे अभी भी, रह गए होंगे जी जी। आगे पटिया वाले हैं, पटिया वाले सुना है? नहीं, नाम नहीं सुना। पटिया वाले हैं जी, ऐसे संत बहुत भय है, उन्होंने पर्वत उड़ाए गए ऐसे। अच्छा। हाँ, ऐसे हम बैठे ना जी जी, ऐसे बैठे पर्वत उड़ते रहे बैठारे के ना। अच्छा, संतों को बैठा के पर्वत उड़ते थे जो संत बैठे ऐसे, हम बैठे ऐसे जी जी। इस पर्वत से कहा गए जैसे कोई आया बड़ा अपन से। हाँ। तो मैंने कही चलो वो हैरान है रहे, चलो अपनी चल के थोड़ा सा अगवानी करके जी जी। तो पहाड़ी उड़े के नहीं 10 किलोमीटर चला गया। अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे सिद्ध तपस्वी हाँ, संत हुए हैं। तो कभी मन हो तो तुमको घुमा दिया जाए, चलेंगे गाड़ी रखना जी जी जी। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर तुमको घुमाए। महाराज जी आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ है, मतलब कोई ऐसी घटना घटी हो कि? देखो ये टाटी घाट जी जी, ये प्राचीन चीज बिल्कुल, और इसमें कोई नहीं प्रात को हुआ वो हो जी जी। तो फिर रही खाए हुए हैं संत जी जी। तो संत अपने मुख से जी नहीं कहते हैं किसी से, उससे तपस्या छीन होती है जी जी। वे जानते नहीं है, वे कह देते हैं कि हमको भगवान मिल गए फलाने जगह, ऐसा हो गया वैसा जी जी। तो जी साले सब डोंगी बोलते हैं जी जी, उनको दर्शन है जाएंगे भी नहीं बताएंगे तुमको जी जी, कि हमको भगवान वहां मिले जी। भगवान तो अपने पास में ही है, तो भाव प्रेम की चीज है बिल्कुल, भाव प्रेम की। तो मूर्ख लोग है वे कहते हैं क्या नाम, हमें भगवान वहां मिले जहाँ मिले दर्शन है गए। एक बार उसके दर्शन है गए,
एक बार संत को अगर दर्शन हो जाते हैं जी जी, तो संसार से कुछ लेना देना नहीं, संसार से कुछ लेना देना तो उसी में रमा रहता है। बिल्कुल हाँ, उसको तो वही दिखता है जी जी, संसार नहीं दिखता है। तो जी जगह अब इसमें देखो कितनी समस्याएं बंदर ना है जुटा, बंदरों को थोड़ी कोई रोक। महाराज जी जब यहाँ पे पहले संत आए होंगे, यहाँ पे रहते रहे होंगे, तो मतलब कि इतना ज्यादा मतलब लोगों का आना जाना नहीं रहा, पहले घनघोर जंगल भी रहा होगा। हमारे समय में जी 10 बजे से पहले कोई संत भजन वगैरह नहीं होता था, सुबह 10 बजे जी, सवेरे 10 बजे से पहले हाँ, कोई कार्य नहीं करता। ऐसा क्यों महाराज जी? रसोई का न ठाकुर जी का जी, जब 10 बजे तक नियम भजन कर गए, ये गेट लगा है जी, तो ये लगा ही रहेगा 10 बजे तक हाँ, जैसे आप आए गए तो जी बोल देना अभी समय बैठ जी जी, तो वो समय तब 15 संत थे हम आए तब, तो यहाँ पे जी जी 15 मूर्ति थी जी, हमने भंडारा किया जी, तो 15 मूर्ति जी, और साल 6 महीना कोई भंडारा होता यहाँ जी जी, कोई भंडारा न रहा जी, रास्ता ही नहीं थी, जानकारी नहीं थी, रास्ता ही नहीं थी, जानकारी नहीं, जानकारी से होता है बिल्कुल। और जंगल में जी रास्ता तो हम लोगों और संतों ने बनाए लिए हैं जी जी, आने जाने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं, साइकिल की रास्ता थी बस, बिल्कुल सही कहा, पैदल की साइकिल की जी जी, जब हम आए तो 4-6 साइकिल होंगी पूरी टाटी घाट में जी जी, और आज तो मोटरसाइकिल है, तो कारें आ जाती है, बड़ी 4 पहिया आ जाती है, तो हम पे गाड़ी है और भी गाड़ी है, सब गाड़ी भी महात्मा पे जी जी, पहले कहा नाम है जंगल में महात्मा को कॉल, पहले यानी जो जंगल के आदिवासी लोग वही लोग आते थे यार, बाकी कोई उस तरह के लोग नहीं आ पाते, वही तो महाराज जी पहले खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती थी, तो उसी हिसाब से रहते है जी, हमको 1 किलो राशन मिल गया हाँ, तो हमको करना है 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए जी जी, जो गति से काम किया जाता है जी जी, खाने पीने वाले भी कम आते थे। अब एक भगत था हमारे यहाँ है रोहतक दिल्ली में है जी, क्या नाम है उनका, नंद किशोर जी, वो देता है सब संतों को पहले से जी, हम आए जहाँ से पहले से भी दे रहा होगा आए, तो हमको देता वो एक जने को 4 किलो दाल देता था जी, 20 किलोग्राम देता ऐसे ही थोड़ा बहुत सब सामान, तो 4 महीना बाद आता जी, 4 महीना तक करना था, 4 महीने तक उसी में गुजारा करना है जी, तो ऐसे ही कहा नाम है, आपको दाल बनाई है तो अब अपनों को डालना है 1.5 किलो जी, अब उसमें 100 ग्राम ही डालनी है बिल्कुल, वो तो सिर्फ वैसे पानी बनता था बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अब उन 4 महीने चलानी है तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा, और मिर्चा को काम नहीं था जी जी, हल्दी राम रस जी डालते थे जी, और 1 चम्मच था थोड़ा सा जी, उसमें एक बोतल में जिन्हें तेल करेंगे जीरे का तड़का देंगे जी जी, वो समय से तो हम आए, अब तो सब भगवान की कृपा है, आए जाए रहो बिल्कुल। पहले महाराज जी यहाँ पे जंगली जानवर भी आते रहे होंगे खूब, बहुत शेर भी थे पहले, अच्छा हमने तो नहीं दर्शन किए, झूठ भालू के महाराज जी, भालू तो अभी भी है, भालू के दर्शन हुए आप? ना भालू के तो हुए, भालू तो कैसे महाराज जी आपका कैसे सामना हुआ उनसे? हम कंडी बीन में जाते थे घर लकड़ी लेने, कंडी कंडा धोनी तपते नहीं चलो जी जी, पंचग्नि हाँ हाँ, तो वो का नाम है बीन में जाते इधर जी, तो वहाँ पे मिले 2 भालू, अच्छा फिर हम लोग वाग तो कहते हैं जनता को देख के तो भाग जाते हैं अपने हाँ, सही वो तो कुदरती का नाम है बिल्कुल, अपनी तुम्हारा बैर दुश्मनी होगी पुराने पूर्व जन्म की, तब टकराते और नहीं तो जंगल है, सांप भी टकरा रहे हैं, बीच भी टकरा रहे हैं, अब बिनते तुम टकराट करोगे तभी भी बोले बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं तो आने जाने देते रहते सब बिल्कुल सही, तो वो अब मिल गए हमें, बीच मिल गए, कीड़ा मिल गए, ऐसे मिल गए तो कहा सिद्धि थोड़ी है जी जी, तो जंगल भी नहीं है ही, जंगल उनका जंगल है, हम लोग हैं उनके जंगल में, उनके घर में हम रह रहे हैं, तो इसीलिए कहा नाम है
जंगल है जहाँ सब जानवर है, चीता भी है। सही। अभी बता दे हमने नहीं देखा, अभी शेर है अभी इस समय। अच्छा अच्छा। अभी एक दिन हमारे यहाँ से एक गाय उठा ले गए। जी जी। एक बैठी बहुत सी गाँव में, वो वहाँ से पकड़ के ले गए रात में। तो बताया है कि मोदी ने भेजे 4-5 शेर भेज गए। अच्छा। जंगल सब जंगल में छोड़े गए, जंगल में छोड़े गए। बिल्कुल। अब हमने तो सुन देखो ना जंगलों में कैसा है शेर। बिल्कुल सही है ना, अन्न जाएगा लोग जंगल भी बहुत काट रहे हैं। जे बगल में थे जी हमारे यहाँ से, वो मंदिर है नहीं जी, तो दिखता नहीं था, नहीं दिखता था पहले जी। कैसे मंदिर और आश्रम है कोई नहीं, एक दूसरे की कुटिया नहीं दिखती। ये 2-4 कुटिया है पास पास में बनी, वे एक दूसरे को भले देख ले, बहु जंगल था बहुत बीच में। ये अभी बनी गई है 2-4 कुटिया, तो पुराना था वो मंदिर है। मंदिर है वो जी जी, और जी आगे बना है आगे वो मंदिर के जी जी जी। पहली कुटिया है, एक ऊपर रहता है एक और पीछे रहता है, ये पुरानी कुटिया है। अब भी तो चले चलाए गए, अब हम भी तुम आए गए कुटिया में। सही। महाराज जी आप कितनी उम्र रही होगी जब आपने संन्यास लिया है? होगी 18-20 साल की। तो शादी नहीं हुई थी आपकी? शादी नहीं हुई। महाराज जी ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या विचार आया कि आपने संन्यास ले लिया? देखो हम लोगों का नाम है सबसे छोटे थे घर में, सबसे छोटे थे। अच्छा। तो छोटे वाले पे लाल प्यार तो रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लाल प्यार की वजह से हमें एक आश्रम था गांव का, हनुमान जी रेत वाले के नाम से जी, तो वहाँ पे सेवा करते रहे जी। झाड़ू लगाए और पोछा लगाए और फिर मजे आए घर के लिए जी जी। फिर कुछ और काम कर लिया घर का, फिर का नाम शाम को फिर आए गए घंटा का घंटा जी। तो धीरे धीरे ऐसा विचार रहेगा हनुमान जी की इच्छा, तो फिर हम का नाम कुछ दिन रहेगा। ज्यादातर आप यानी ज्यादा समय आपने उसी में बिताया हनुमान जी मंदिर में? नहीं 2-4 साल बिताए हनुमान जी। फिर का नाम हमने ये महात्मा जी चले गए गाड़ी लेकर भी जी, पहले हमको मिलते जुलते रहते थे। अच्छा। हमारे वो मंदिर पे रामायण 12 साल रामायण हुई थी जी जी हनुमान जी जी। तो जी हमसे पहले आए गए यहाँ, इनको है गए कम से कम 30-40 साल है जी जी। फिर हम आए घूमते गए तो आश्रम में आए जी। आश्रम में फिर महाराज जी ने भी बोल रही कहाँ रहोगे तुम, मैंने हमने ये जंगल में चाची घाट में जी, तो बोलने देखिए कोई है अपना महात्मा बताना। तो फिर कहीं जाते भी नहीं है जी, जाते हैं जैसे आपको कोई काम है अपना बांध ले हैं तो चले जाओ जी, ऐसे नहीं भाग दौड़ नहीं कर। तो महाराज जी घर वालों ने रोका नहीं आपको कि संन्यास क्यों ले रहे हो? रोकते तो सब हैं, रोकते सब हैं, चाहे बाली बच्चन वाह हो ना बाली बच्चा वार हो, रोकते सब हैं जी। फिर वो समय ऐसा आ जाता है कि अब हमने काम दाम ही छोड़ दो, सिर्फ मंदिर पे आना जाना लगा है। अब गाना में शाम को गए सवेरे गए मंदिर पे गए चले गए शाम को जी, घंटा दो घंटा फिर बैठ जाए फिर भगे आए, सवेरे गए फिर भगे आए जी। धीरे धीरे सब वो टूट जाते हैं, वो टूट जाता है सब टूट जाते। जब अपन ही नहीं करेंगे तो सामने वाला नहीं करेगा, हम तुमसे नहीं करेंगे तो तुम हमसे क्यों करेंगे जी जी। हाँ बिल्कुल। हम तुमको अभी अड़का देंगे तो तुम कल नहीं आओ, तो प्रेम करेंगे हाथ पे देंगे अरे भैया तो आओगे कि नहीं आओगे, प्रेम एक सी ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही गाना हम धीरे धीरे धीरे। तो अभी तो महाराज जी बुलाते उलाते होंगे? वे बुलाते हैं खूब। अच्छा। हाँ पर हम नहीं गए तब से, हमको यहाँ 16-17 साल है गए, हमें कभी 16 नहीं गए। तो वो लोग आते हैं कभी यहाँ मिलने? हाँ आते हैं 2-4 लोग, कोई कभी काल एक आज आया वैसे कोई नहीं जी। जैसे कोई मावस में आया और भतीजे भतीजे हैं तो मंसरी के मोड़े जी, जी। चलो विनय बाबा भी है यार, ऐसा खाना आप नहीं जाते? कई बार बुलाए रिंड मुरैना साइड तो जाना होता होगा आश्रमों में? नहीं नहीं कहीं नहीं गए, रेलों में बैठे ही नहीं है। अच्छा। हाँ रेलों में तो 15 साल थे जी जी। जब भजाओगे दौड़ोगे तो फिर सबरों जाना पड़ेगा, बहुत जाना पड़ेगा जी।
तुम्हारे भी जाना पड़ रहा है, इनके भी जाना पड़ रहा है। तो इसी से जी कह दिए हमने तो तुम्हें तुम्हारा मोटिवेशन बन रहा है। चलो महाराज जी, जैसे कोई, जैसे आप तो समझ लीजिए सन्यासी हैं, जंगल में रह के भजन कर लेते, जो हमारे भक्त जो ग्रस्त वाले हैं तो वो घर में रह के कैसे भजन करें, उनके लिए थोड़ी सी कुछ बताइए। कर सकते, घर में भी कर सकते जी, घर में भी कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं जी। क्या है कि अपनी दृढ़ता बनानी पड़ती, समय निकालना पड़ता, समय निकालना पड़ता, समय निकालो, घर में भजन करो जी, जी। खेती भी करो, बाली बच्चा भी पालो, सब आ जाते हैं बिल्कुल, पर वो मारे को फिसल नहीं पाते हैं जी, जी। उसी को समझ ले, अरे ये काम बहुत पड़ा है बिल्कुल, काम तो जो में भी करना पड़ रहा, काम तो हर जगह है, रोटी तो बनानी पड़ेगी, झाड़ू लगाना पड़ेगा, वो पोछा लगाना पड़ेगा, वो गैस पोंछनी पड़ेगी बिल्कुल, सब्जी बनिया करनी पड़ेगी, काम तो इतना ही है, काम तो इतना ही है। तुम लोगों किसानों के लिए क्या है, अब ट्रैक्टर चल रहे है, क्या काम है बताओ। तो इसीलिए कही कही तो कही कही घर में रह के भजन हाँ, नहीं नहीं घर में कर सकते बहुत प्रेम से, और अच्छा है जी, घर का भजन अगर कर लेगा जी, तो और अच्छा है जी। अब तुमको नहीं, दिनों में शाम को तो रात में करो जी, रात में करो जी जी, भगवान की तरफ का नाम बार बार भगवान को अपनी वाम करो। कोई काम कर रहे हो, किसानी का कर रहे हो, बाजार को कर रहे हो, तो वो अली तरफ ध्यान करे रहो, टाइम निकालना पड़ेगा हर चीज के लिए। हाँ नहीं, अब जैसे तुम अब एक बार भजन कर लो, तुम भगवान की तरफ देख ही ना रहे, सही, ये नजरों से भर लिया तुमने कि हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं जी जी, तो उसको फिर जब वो अपने को वो आवे, जब उन पर ध्यान दे जी, तो हमारे ठाकुर जी बैठे हैं हमारे जी जी, तो उसको बार बार भगवान को चिंतन करना चाहिए बिल्कुल। सब में कर सकते हैं खेती, क्योंकि इंसान जब परेशान होता है तब वो भगवान को याद करता है, तो भगवान फिर कहाँ हाल ही मिले जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, याद तो वो भटकता रहता कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई ऐसे महात्मा मिल जाए, दुख में सुमिरन सब करे बस, और सुख में करे न को बिल्कुल, और सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को हो, काय को हो बिल्कुल सही जी। तो अब दुख आ जाओ तब करेंगे, अरे महाराज हनुमान जी महाराज कामतनाथ भगवान जी के, अब हाले तत्पुर तुम्हारे कौन सा भावन हो जाते बिल्कुल। फिर लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई महात्मा चमत्कार कर दे कि मैं सही हो जाऊं। हाँ सही है, लेकिन जितना वो है तो भोगना पड़ता है ना महाराज जी, ये मानसिक रोग ऐसा बन जाता है कि तुमको कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। अच्छी अब मानसिक रोग तो जब हटेगा, जब का नाम है भगवान की तरफ जाओ बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम घर में बैठे हो अकेले और भगवान को कहाँ है रहो, सही बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान को चिंतन बार बार करो, भगवान के सन्मुख में रहो बिल्कुल, भगवान दुख हो चाहे सुख हो लेकिन याद करना चाहिए। हाँ दुख भी आए तो कहते हैं कि तो भी वही सामना करना चाहिए। हाँ सामना कर जी, तो भगवान ने बनाए ही दोनों बिल्कुल, देखो हम तुम तो कितने हुए हैं जी, जब भगवान राम जी को वनवास, सीता जी को हुआ, कैश हुआ वनवास, भगवान का हुआ जी, जी। कितनी समस्या आई, बहुत समस्या है, बहुत था बेचाते तो कोई समस्या नहीं बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी आई गई, फिर भी समस्या आई है, दुनिया सामना किया, सामना किया तो उनको जी, खुद नहीं उनको दिखाने के लिए किया तुम्हारे लिए, कष्ट सब पे पड़ेगा, भागना नहीं चाहिए उससे, लड़ना चाहिए जी, जी। तो फिर देखो लंका तक रावण को मार के आए, बहुत लोग तुम्हारा जी कष्ट से इतना मतलब हार जाते हैं कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, तो वो गलत है, वो गलत है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए उससे, लड़ो बिल्कुल, देखो अपनी गृहस्थी में फैले जी जी, तो का नाम है उससे लड़ाई लड़ो ना, लड़ाई लड़ो, खेती ज्यादा करो बिल्कुल, खाद दे, बीज दे, पानी दे, बाद लड़ाई लड़ो जी, तो वो अपने आप करेगी, अब बाकी तरफ ध्यान ना ले वो, तो बस अपने गए कर्मण्य में भगवान बदो ही ना, भगवान का करे वो, एक पूरा पड़ गया तो अगले साल तो होगा बिल्कुल बिल्कुल, करोगे तो अगर खेतों में बीज डालोगे, जैसा बीज बोओगे वही फसल होगी, वही फसल होगी, उसी पे प्रयास करो बिल्कुल, ये हारना नहीं चाहिए, उसका सामना करना सामना चाहिए, तो जरूर आप उससे महात्मा पे परेशानी भी आ सकती है बिल्कुल, आ सकती है, आनंद भी है, आनंद भी, अब कोई परेशानी आई तो बैराग फेंक दिया जी, तो क्या फायदा हुई, फायदा नहीं, उस पर लड़ो जी।
बातें आगे चलो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारी गलतियां हो तो उसको क्षमा करें। जी जी, भगवान हमको अपनी शरण में रखे। बिल्कुल, हम आपने तो बुलाए, वैराग दिया है तो नहीं तो दिया है, वैसे कैसे आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनसे कहोगे तो फिर तुम्हारी तुरंत सुनेंगे। सही कह रहे हैं। और संसार से कहोगे तो संसार तो तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा। खिल्ली उड़ाएगा, बिल्कुल। तो इसलिए घर हो चाहे विदेश हो, भगवान से तुम बोलिए तो अवश्य तुम्हारा काम पूर्ण हो। जी। अब तुम संसार से रो रहे, हमारी रोटियाँ खराब है, हमारा भाई परेशान करें, हमारा पिताजी परेशान करें, अरे भगवान बिका करेंगे भी तो और हंसेंगे वे तो खिल्ली उड़ाएंगे। अरे सारे गाना देखो आप संग लड़ रहे हैं, भेज रहे हैं, और देखो जी बता रहा है वो तुम चले तो भाई आ गया, भाई ने अपना दुख रूंगा तो पिताजी आएगा, है वो लड़का हमारा फलाना जैसा खराब है वैसा, तो भी अब भाई में रोते रहेंगे। सही। इसलिए भगवान से एक बार कह देंगे तो वो अवश्य तुम्हारा काम करेगा। करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो ये जान रही है कि भगवान से कहो, संसार से कहने से कोई फायदा, संसार से कहने से कोई फायदा नहीं। जब उनको कोई परेशानी आवे उससे कहिए जो सबके सुनने वाला है, वो देवे तैयार हैं। बिल्कुल, अपन तो भाव बनाओ। सही। अब देखो बाली मार दिया भगवान जी है। बिल्कुल, बाली ने कहा के का नाम है, प्रभु मेरे को जी समस्या क्यों की जी, तो बिलने की पुत्र वधु भगनी सुतनारी ये दुष्ट बिलो कहता है कुछ पापना, तुमने इतना अभिमान हो गया राजा है कि नहीं कि दूसरी स्त्री छीन ली तो भाई भी डाल दिया। बिल्कुल, अब वो भी भगवान ही शरण में आ जा तो वो समस्या हल है कि नहीं हरे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको अभिमान था कि मैं बाली को सुग्रीव को भी मारता हूँ, उनकी पत्नी ने गल डाटा कि उनके साथ दो सुकुमार हैं, वो अति बलवान है, विनती जीत न सके को जी, तो भी नहीं कहना। तब भगवान ने फिर कही विनती, अगर तेरे को कष्ट हो मरने का बाली थे जी, तो अभी जिंदा कर दूंगा, फिर वो तो वन नहीं करते बाली, अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, अब तुम देखो अब भगवान आए सामने और विनती का अभिमान करोगे तो बिल्कुल तुम जानते भाई सही ये सुग्रीव हमसे लड़ने नहीं आ सकता जी जी, और ये आए हैं दो पुरुष इनके बल से लड़ रहा है। बिल्कुल, तो इनमें कुछ शक्ति है जब ये आए सही, तो आदमी तो रूप रेखा से पहचान जाता है, भगवान तो भगवान नहीं है सही। भगवान एक बार तुमको मिल जाएंगे नहीं तो तुमको संसार अच्छा ही नहीं लगेगा, संसार कायते कहते हैं सही। हाँ, संसार के पीछे नहीं दौड़ेंगे, और जी तो भगवान की लीला है, संसार के पीछे पड़ते रहो, संसार के पीछे मोह माया में लोग इतना लिप्त हैं कि लिप्त रहते हैं, माया ही माया भरी है, माया माया भरी है। संत मिलन को चालियो तज माया है वहाँ, जो जो पग आंगे धरे तो कोट ने जग समा। महाराज जी जो दान पुण्य करते हैं इसका क्या महत्व, थोड़ी सी बताइए। दान कल्याण करता है जी, और कोई उपाय नहीं, दान से ही कल्याण होता है जी, और किसी से नहीं होता है जी। तो जैसे हम लोगों को तुम दान दे रहे हो जी, तो हम उनको भी दान करना पड़ता है जी, उन्हें तो पेट फट जाओ, भगवान की संपत्ति है ये जी, अकेले खाओगे चार मूर्ति को खिलाओगे और दूसरे को आ जाए भूखे को भोजन प्यासे को पानी नहीं देंगे तो हानि होगी। बिल्कुल, इसीलिए दान करे धन ना घटे साय करे रखे, तो ये कल्याण किसी है, कल्याण और कौन से ना है सकत जी जी, कल्याण भजनते भी ना है रहो, दान से रहा है। दान कैसे सबसे... दान मतलब किनको कैसे दान करना चाहिए है? कैसा दान करना चाहिए? दान सबको करो, अन्न को करो, पैसा को करो, दान किसी का करो, दान एक ही चीज है। किसको दान करें? संतों को करो, अपने का नाम है आश्रम है, जैसे गांव बस्ती में भी आश्रम है अपने, उन्हें वो करो, संतों को करो, अपनी बहन भाने है उनको करो जी। दान सबके लिए, ब्राह्मण को करो जी, दान किसी को भी कर सकते हो, वो तो दान करोगे वही तुम्हारी फाइल साइन। जैसे बहुत से लोग हैं बड़े बड़े मठों में मंदिरों में दान करते हैं, उनको जरूरत नहीं है फिर भी दान करते हैं, क्या उससे उनका कल्याण होगा? वो नहीं होगा, वो सही है जी। ऐसे लोगों को दान दो मतलब कि ऐसे मतलब जो जंगल में संत महात्मा हमारे रहते हैं,
जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते, ऐसे लोगों को दान दान करना चाहिए। और वहाँ पे दान नहीं करना चाहिए, जैसे हम दान देते हैं लेकिन वो दान की कीमत ही ना समझे, ना दान वाले की कीमत, दान वाले की कीमत, दान वाले की कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। जंगल है बहुत से है जी, जहाँ से चले जाओ सुति चंद सरो रीवा सतना तक जंगल एक देख जी जी खनैया सिगरों है क्या यार। बिल्कुल, बहुत से हमारे संत जंगल में हैं, जो समझ लीजिए कि जब लोग जाते हैं तो उन्हीं के उसमें समझ लीजिए वो लोग भजन करते हैं, उन्हीं के आश्रय समझ लीजिए रहते हैं, वैसे तो वहाँ दान करना चाहिए। तो देखते नहीं है आज के जमाने में, वैभव देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत से लोग है जो पहुँच भी नहीं पाते वहाँ तक, जंगलों तक जो मेन संत है वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, लोग उन्हें बीच में ही और चकाचौंध में फंस जाते हैं। नहीं, और तुम भी बता रहे हो यहीं के रहने वाले हो जी जी, कब से नहीं आए जी जी, ये सुन आए हो जी, ये वीडियो वीडियो चल पर आया जी जी, तो जानकारी मिली यानी जहाँ की किसी को जानकारी है, किसी को जानकारी नहीं, तो इसीलिए जंगलों में दूर दूर के नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब अपने पास साधन है तो इसी हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सुती चंद सरभंगा की तरफ गए हो जी? कहाँ तक गए? आए वहाँ अगले हर जगह हुआ है। अच्छा, सुती चंद सरभंगा धारकुंडी बिशिंगपुर है, बिशिंगपुर है, इसमें बहुत से संत रहे हैं जी जी, और एक सावन है, सावन है, सावन का नाम सुने लेकिन गए नहीं हो। अच्छा, क्या वो कारीगोई से जाना पड़ता है? अच्छा, कारीगोई है ना, वहाँ भोजना, वहाँ शेर रहता है। अच्छा, बताया है, मैं तो नहीं गया, किसी ने बताया है कि हम गए तो वहाँ शेर था जी। जंगल में तो रहेंगे ही, जंगल में तो रहेंगे, ये उनका घर ही है। बिल्कुल, अब हम उनके घरों में हम लोग रह रहे हैं। सही है, तो रहेंगे। और तुम ग्वालियर तनखी की तैयारी करो जी, तो तुमको यहाँ से ग्वालियर चलते हैं, दिसंबर में चलते हैं। नवंबर दिसंबर कब आएगा? इस महीने बाद। अच्छा, हमारी धुनी नहीं उठना चाहिए, धुनी उठ गई तो फिर नहीं जाएंगे। धुनी कब उठेगी यार? धुनी कितने दिन की रहती है? जनवरी, जनवरी में उठेगी। जनवरी में ना, तो उससे पहले चलेंगे, ठंडी भी रहेगी बड़ी। हाँ, बात पहले चलना है। हाँ, ये चलते हैं मेरे का नाम यहाँ से ओरछा पे। हाँ, ओरछा रामलला है, गए हो कभी? ओरछा को देखे हैं लेकिन वहाँ गए नहीं पास। ओरछा तो जंगल में संत है, रत्नगढ़ की माता है, तो जंगल में है संत बहुत। वहीं से भ्रमण करते हुए चलेंगे, पतिया वारे लखनदास फलाने, ऐसे ऐसे संत थे, ऐसे कैसे पाए रह गए मैंने छुपके। अच्छा, ऐसे के ऐसे ऐसे ही खाते, ऐसे ही बैठे रहते बस, और जाते तो खटिए से चलते। अच्छा, खटिया खनन पे चार संत लगा लेते हैं, कहीं जाना है तो बस वहीं तक खटिया जाती है, और भोजन करके ना ही उल्टी कर देते, रोज खा नहीं पाते, खा लेता है फिर उसको बाहर काट देता है। फिर सपा का शक्ति कहाँ रहेगी? फिर वो बहुत महापुरुष है, सिद्ध संत है, बेरिया ला देता है तो रुपये के ढेर लग जाते नीचे। अच्छा, हाँ, ऐसे संत तो ऐसे संत बहुत हैं वहाँ बताए जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पर रणछोड़ दास महाराज जी हैं। हाँ, बड़ी गुफा में जी, पीली कोठी में महाराज जी को नाम नाम मिला। एक जी हैं अनुसुईया जी, परमन से महाराज जी, तो ऐसे संत थे। स्थान आज भी है? स्थान तो सब बने हैं, भोजन है रहे को जी। हाँ, जहाँ जितने आदमी जाए सब प्रसाद मिला है, कीर्तन पटिया वारे पर तो कीर्तन भी है रहा है, अखंड रामायण भी है रही है, भोजन भी चल रहा है जी। हाँ, पटिया वारे बहुत से संत थे, पचास संत का निमंत्रण जी जी, यहीं पे भंडारा आपकी कुटिया में ही हुआ होगा जी। काफी दूर दूर से संत सेवा लोग करना चाहते हैं। हाँ, तो ये है कि वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, जानकारी पहुंच रही, तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन। हाँ, कर रहे हैं ये संत, 50 संत रह रहे हैं जी, 50 तो यही रह रहे हैं हमारे पास। हाँ, और सब अनुसुईया तक के संत, 100 संत। संत कुछ आते जाते भी रहते हैं? हाँ, कुछ भी आने जाने वाले जी। परमानेंट महाराज जी कुटिया में ही रहते हैं? परमानेंट। जैसे महाराज जी आपकी कुटिया में कोई भक्त दूर से आता है तो क्या यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था है? जैसे आके एक दो दिन आपके दर्शन सेवा करना चाहता है
तो आ सकता है जी। तो दोस्तों जैसे कोई दूर दूर से भक्त है महाराज जी की कुटिया आना चाहते हैं तो महाराज जी की कुटिया आ सकते हैं। ज्यादा बड़ी महाराज जी की कुटिया तो नहीं है, छोटी सी कुटिया है, दो चार लोग हैं तो एक दो दिन के लिए आप आ सकते हैं, महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, सत्संग ले सकते हैं महाराज जी का। और मंदाकिनी मैया तो बगल में है ही है, उनका दर्शन करिए, स्नान करिए। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत साधु महात्माओं ने यहाँ पे सिद्धियाँ ली हैं और उनकी समाधियाँ भी यहाँ पे बनी हुई हैं। आइए आप लोग भी दर्शन करिए। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोगों के लिए ऐसे सिद्ध महात्माओं के दर्शन करवा सकें और सत्संग ले सकें। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।